गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, आज भाई मॉर्निंग की शुरुआत है एज यूजुअल ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और बस अब आज मेड आई थी काफी लेट। उसका बस थोड़ा ऐसे घर में कुछ हस्बैंड के साथ थोड़ी चल रही है तो प्रॉब्लम, तो बस उसका बच्चा बहुत छोटा है तो फिर छोड़ के नहीं आती अपने बेटे को अकेला। तो वो सामने ही हमारे बिल्कुल स्कूल है तो वहाँ ले के आती है। तो आज वो उसके स्कूल से काम करते करते फोन आ गया कि आप लेके जाओ, वो रो रहा है। लेके आई घर पे, उसका काम तो वैसे हो गया था, बस पोछो और कपड़े डालने रह गए थे। तो उसके बेटे ने इतना रोया बहुत ज्यादा, उसको चुप कराना इतना मुश्किल हो रहा था। अब वो काम करे, वो पोछा लगाए, मैंने उसको फिर बैठाया, टीवी चलाया, मतलब कार्टून वगैरह दिखाए, वो तब भी चुप ना हो, बड़ी मुश्किल से उसने काम किया है। मतलब ये लोग का इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो मतलब ऐसा लगता है मैं इसका हस्बैंड बहुत टाइम से ऐसे इसको परेशान ही कर रहा है। तो मैंने इसको वही बोला, मैं कहा कल से भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, भी मेरा तो काम बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने कहा तो उसको समझा के आई हो? वैसे वो कहती है उसका जो बच्चे का स्कूल का टाइम है वो 12:30 है, तो 12:30 भाई है तो कहती मेरा आराम से काम हो जाता है। मतलब 10 बजे आई है तो उसको 2 घंटे तो लगते ही हैं, तो कह रही मेरा आराम से काम हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा था, इतने में उसके स्कूल में उसके पापा लेने आ गए उसको। कहती मैंने उसके पापा के हाथ नहीं देना उसको, तो बस फिर वो लेके आई फटाफट जाके, बिल्कुल नीचे ही हमारे सामने स्कूल है तो लेके आती, मैं ले आऊँ? मैं कहा ले आया ऐसे। तो फिर वो आया तो रोता ही रहा, वो इतना मुश्किल उसने काम किया ना। मैं बस अब शाम को बर्तन करने आएगी उसको बोलूंगी भैया ऐसे नहीं चलेगा, भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे तो काम करना। तो बस वही है आज की हमारी यही स्टोरी थी सुबह की। बस अब ऐसे लेट, बस अब देखो अब लंच वगैरह में क्या बनता है। तो बस अब डेली के मतलब हम लोग सोचते नहीं है कि नेक्स्ट डे मतलब हमारे साथ ऐसे होगा, हम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। तो बस अब आगे के जितने भी जैसे भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताती रहूंगी। ओके, सो मैं अब बस किचन में ही खड़ी हुई हूँ। किचन में मैंने सब्जी रखी हुई है, सब्जी मैं बना रही हूँ गोभी मटर, क्योंकि मैंने आज कोई आलू आलू नहीं डाला उसमें। यार आलू खा खा के बोर हो गए हैं तो मैंने कहा चलो खाली गोभी मटर बनाते हैं। तो बस अभी मैंने रखी है तो जैसे ही बनती है मैं आपको दिखाती हूँ। आज भी मैंने किचन की बहुत अच्छे से सफाई करी है क्योंकि कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं, मतलब जैसे सामने फ्रूट्स वगैरह था उसको उसकी जगह चेंज किया है। तो बस जब थोड़ा टाइल्स वगैरह साफ़ किए हैं किचन की अच्छे से, तो बस थोड़ा सा जब थोड़ा लगता है कि यार बस करना है तो करना ही है मेरा यही है कि अब आज करना है तो करना ही है। तो बस आज बाहर तो मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश ही आ रही है और हीटर के आगे मैंने कपड़े भी रखे हुए हैं सारे। यहाँ तो कपड़े भी हमारे इतने हो गए थे, सूखते ही नहीं है कपड़े, बाहर डालने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कपड़े। तो बस जैसे ही अभी सब्जी बनती है तो हम फिर लंच करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मैंने बनाया है गोभी मटर, कुछ आलू नहीं कुछ नहीं, बस इसमें एक आधा प्याज डाल दिया था, टमाटर और थोड़ी सी अदरक बीच में सब डाल के बना दिया। और अब ये बस सैलड भी कटेगी और ये कर्ड भी रखी है इसमें, मतलब साथ में रायता वगैरह डाल लेंगे। और ये मिशिका ने कल ऐसे बारीक बारीक ना अनियन कट कर दिए थे तो ये भी अब कर्ड में डाल दूंगी और थोड़े से टमाटर डाल के रायता बना दूंगी। ये बहुत अच्छे अनियंस कट करती है ये, बिल्कुल बारीक बारीक, ये तो मुझसे होते ही नहीं है, ये पता नहीं कैसे कट करती है। देखो कितने बारीक कट किए हैं इसने हाथों से अपने, तो ये तो चॉपर में मतलब होते हैं ऐसे, तो ये हाथ से ही बहुत अच्छे कट करती है। तो मैं तो कहती हूँ मिशिका जब अनियंस वगैरह कट करने हो तो तू ही मतलब काटा कर, तो सब्जियाँ वगैरह भी बहुत बारीक बारीक काटती है। तो बस अभी देखो मैंने किचन भी सारी अच्छे से क्लीन कर दी है, ये थोड़ी सेटिंग आज मैंने चेंज की है इसमें, मैंने मतलब ये जो स्पून्स वगैरह का था मैंने इधर रख दिया, सारी बॉटल्स वगैरह होगी, ये सब्जी बन रही है, ये सैलड का है और ये फ्रूट्स वगैरह मैंने इधर रख दिया कवर करके। मैंने कहा सब चीज़ें ना कवर होनी चाहिए। और ये मिशिका की एक फ्रेंड है वो वैष्णो देवी गई थी तो उस वहाँ से वो अखरोट और क्या लाई थी, आम पापड़। तो अखरोट और आम पापड़ तो हमने खा लिए, अब क्या रह गया ये प्रसाद माता का। तो अब मैंने कहा ये अगर मैं इसको खोलूंगी तो किसी ने खाना नहीं है हमारे घर पे, बहुत ही ऐसे मतलब बच्चे ऐसे हैं कि इन्होंने खाना ही नहीं है ना, मैं भी ऐसी हूँ, मतलब
नहीं खाना तो वेस्ट ही जाएगा, ऐसे प्रसाद की बेकदरी ना हो। तो मैंने फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी मेड आएगी ना उसको दे दूंगी। ये देखो आजकल मतलब कितनी अच्छी पैकेट्स आते हैं वहाँ से बने बनाए, इसमें कॉइन भी है। तो फिर मैंने कहा चलो उसके बच्चे खा लेंगे, मैं उसको दे दूंगी, ऐसे मतलब प्रसाद वेस्ट ना जाए। तो बस ये मैंने अब इसके रखा हुआ है, तो बस ये सारा आज अच्छे से फिर मैंने किचन क्लीन करी सारी। ये देखो टाइल्स वगैरह मैंने इतने अच्छे से क्लीन करी, काफ़ी मतलब मेरे को बस जिस दिन होता ना कि किचन आज अच्छे से क्लीन करनी है, तो बस मेरा दिमाग में यही होता है कि करनी है तो करनी है। तो बस मैं 24 hours later. हेलो एवरीवन, और आप सभी क्या कर रहे हैं गाइस, और आप सभी कैसे हैं गाइस। सो बस आज मैं कल के ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो मैंने आज कोई गुड मॉर्निंग नहीं कुछ नहीं, तो बस मैंने कहा चलो कंटिन्यू करते हुए तो हेलो ही बोलना चाहिए। तो बस मैं अपने मतलब मॉर्निंग तो मेरी हो गई है काफ़ी पहले ही, और आज मिशिका का ऑफिस था तो वो भी ऑफिस चली गई है, उसका भी लंच वंच पैक करना था। तो सुबह सुबह तो बहुत ही मेरे को काम था, फिर जल्दी जल्दी बस ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, उसका लंच पैक किया, तो बस वो अब ऑफिस गई है। तो बस मेरा लंच तो बना हुआ है, तो लंच की तो मुझे अब कोई वो नहीं है, मैं फ्री हूँ। फिर उसके बाद आज थर्सडे है, तो थर्सडे मैं आज साई बाबा मंदिर जाऊँगी, तो वहाँ की भी मैं आपको फोटोज़ और अगर वीडियोस भी बना पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में। तो बस ऐसे ही आप मेरे साथ आज के ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, और आगे के जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे। मैं बस पहले तो मैं अभी मिशिका के रूम में ही आई हूँ, उसका रूम वगैरह समेट रही हूँ, वो सारा ऐसे मतलब छोड़ गई है। वैसे तो वो अपना कर जा कर, मतलब मॉर्निंग में उठती है तो अपना सारा रजाई वगैरह तय करती है, और वो तो उसको अच्छी हैबिट पड़ गई है। तो लेकिन आज वो बस थोड़ा उसको जल्दी था तो फिर आज वो ऐसे छोड़ गई है, तो बस मैं आप उसका समेट ही रही हूँ। बाकी तो मैंने यार एक्चुअली घर के काम तो सारा दिन ही खत्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो बस अब मैं ये करूँगी, फिर मेरी किचन भी अभी थोड़ा क्लीन करनी है, किचन करूँगी साफ, फिर उसके बाद बस लंच तो है ही, अब उसको रोहन को भी दिया है, उसमें ब्रेकफास्ट लंच मुझे लगता है अब एक ही कर लेगा। उसको मैंने 2 परांठे बना के दे दिए दाल के साथ, मैंने कहा तू खा ले, तो पता नहीं अब खाता है नहीं खाता। फिर मैं 4 मतलब बजे के करीब मंदिर जाऊंगी, फिर उसके बाद बस शाम को 6 साढ़े 6 तक आते हैं हम लोग, फिर रात का सोचेंगे, फिर क्योंकि आज निशिका भी गई हुई है, उसका वैसे आज डिनर बाहर ही है। तो बस देखो अब क्या क्या होता है आगे, आगे की तो एक्चुअली कोई वो नहीं होता कि क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो बस अब आपको मैं दिखाती हूँ। सो मैंने अब बस अब इसके बाद अपना साथ साथ ही मैंने ना थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान भी मंगवा लिया, ये इसमें मतलब मैंने ओट्स मंगवाए हैं, ये सफोला ओट्स हैं एक के, मतलब इसके साथ ये फ्री है, ये भेलपूड़ी है, ये अखरोट है। तो फिर रात को मैं जैसे इनको मतलब भिगो के रखती हूँ, अखरोट बादाम और किशमिश, तो फिर मैं ही खाती हूँ बादाम और अखरोट मिशिका, और इसके पापा खाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ, मतलब रोहन नहीं खाता, उसको ड्राई फ्रूट्स खाता ही नहीं है ना, वो दूध पीता है, वो ताकत की चीज़ें तो उसने कुछ नहीं खानी, अटरम बटरम ही खाना है उसने, वो ये खा लेता है हाइड एंड सीक। कह रहा है कि मेरे लिए ये मंगवाओ, हाइड एंड सीक मंगवा देना। मैंने फिर 3-4 पैकेट्स मंगवा लिए, कुछ अनारदाना ब्रेड होगी, रस हो गया, तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो बस अब मैं इनको समेटूंगी, फिर बस किचन वगैरह भी क्लीन करती हूँ। सो बस ये मैंने अब मिशिका का भी ड्रेसिंग टेबल सारा साफ़ किया है, सारी बेडशीट वगैरह झाड़ी है, ये बस अब इसका डैडी, और बस मैंने आज ये वेयर किया है, ये फेंकना है इसका, और ये मैंने ये मैं भी ये मतलब सेक्टर 7 से ही लेके आई थी मैं ये, और मतलब गर्म है, और क्योंकि आज ना मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही, मेरे को लग रहा है कि बस ठीक है बाहर जाऊंगी मंदिर जाऊंगी तो ऊपर जैकेट वगैरह पहन लूंगी, और ये मैं पैंट भी वहीं से लेके आई थी और ये भी वहीं से लेके आई थी। तो वहाँ पे वही मैंने आपको बताया हुआ है कि अच्छे मतलब मिल जाते हैं डेली वेयर के कपड़े, तो मैं तो बस ज़्यादातर वहीं से लेके आती हूँ, और कभी मॉल से भी ले आती हूँ, मॉल जाती हूँ उन मिशिका के साथ तो वहाँ से भी ले आती हूँ, तो फिर बस मतलब
कभी कहाँ से कभी कहाँ से, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि एक जगह से ही शॉपिंग करनी है। तो बस मैं अब धीरे धीरे, अब इसका रूम समेटा है, अब मैं किचन भी समेटने जा रही हूँ। गाइस बस मैं अभी मंदिर से आई हूँ थोड़ी देर पहले ही। हम फिर आके बस बैठी हूँ और मैंने फिर बाहर से कपड़े वपड़े उतार रही हूँ। मैंने कहा अब बस कपड़े अंदर रखूँ। तो आज हमने मंदिर में बहुत मज़े किए। मंदिर में पहले तो हम काफ़ी देर बैठे रहे और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मंदिर में बैठ के। फिर हम लोग मार्केट घूमने गए, मार्केट में फिर हमने गोलगप्पे वगैरह भी खाए, खूब मस्ती की हम तीनों फ्रेंड्स ने। तो बस वही आते आते 6 साढ़े 6 बज गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आ तो मंदिर से उठने का ही मन नहीं कर रहा था। कई कई बार हो जाता है ऐसे कि दिल करता है कि बस बैठे ही रहो, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस गाइज आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही, और अब मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। और ओके गाइज, टाटा बाय बाय। ये क्या बोलती है, टाटा बाय बाय। आर यू कॉमेडी मी? हेलो, और आप सभी क्या कर रहे हैं गाइस? हेलो 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 हेलो, ये क्या?